राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां सहकारी समिति का प्रदर्शन जारी है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी जारी है, वेतन बढ़ोतरी को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है जिसमें विधानसभा का घेराव किया गया है। फिलहाल प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका है, लेकिन प्रदर्शनकारियों की नारेबाजी भी लगातार जारी है। विधानसभा का घेराव कर ये प्रदर्शनकारी अपनी वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी कार्यालय का भी घेराव किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां सहकारी समिति के कर्मचारी लगातार प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं। उनकी मांग वेतन बढ़ोतरी को लेकर है, जहां पुलिस भी उन्हें लगातार रोकने की कोशिश कर रही है। और हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं संवाददाता कुलदीप। कुलदीप, क्या है ये पूरा मामला? इनकी वेतन बढ़ोतरी कब से नहीं हुई है, जिन मांगों को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरीके से जो संयुक्त कर्मचारी सहकारी समिति के कर्मचारी हैं, कई जिलों से आज राजधानी लखनऊ पहुंचे, और वहीं आपको बता दें कि लोकभवन में जो है वो कई विभागों की बैठक भी मुख्यमंत्री ले रहे हैं। वहीं जो कर्मचारी हैं वो विधानसभा घेरने के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन उनको बीजेपी के मुख्यालय पर ही बैरिकेटिंग लगाकर पुलिस के द्वारा रोका गया। और वहीं जो ताजी खबर है इस वक्त वो ये है कि पुलिस ने लाठीचार्ज करके उनको वहां से हटा दिया है मौके पर से। और जिन लोगों की मुख्य मांगे ये थी कि कई सालों से इनका वेतन नहीं मिला, वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर ये लोग लगातार कई सालों से प्रदर्शन कर रहे थे, वही अपनी मांग को लेकर आज ये लोग लखनऊ पहुंचे। जी कुलदीप, इनकी मांगों को लेकर सरकार की तरफ से किसी नुमाइंदे ने इनसे मुलाकात की है अभी तक? जिस तरीके से इन लोग का प्रदर्शन चल रहा था, काफी आक्रोश है जो कर्मचारी हैं अपने वेतन बढ़ोतरी को लेकर, और वेतन न मिलने को लेकर ये लोग लखनऊ पहुंचे। हालांकि अभी सरकार से किसी तरीके का ना तो आश्वासन मिला है और ना ही जो इनका कोई डेलीगेशन है उनसे मुलाकात करने की दी गई है। धन्यवाद कुलदीप आपका। तो बीजेपी कार्यालय का घेराव किया गया है और वेतन बढ़ोतरी की यहाँ मांग लगातार जारी है।